नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन का ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि ASD, CP और DB। ये तीन कोर्सेज और संचालित किए जाते थे, लेकिन अब ये तीन कोर्सेज जो हैं वो संचालित नहीं किए जाएंगे। जैसा कि इस बार जो आपका फॉर्म आ रहा है वहाँ पर आपको IDD, VI, HI और आपका MD, ये चार कोर्सेज ही आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और जो ये तीन कोर्सेज थे यानी कि ASD, CP और DB, ये तीन कोर्सेज अब संचालित नहीं किए जाएंगे। तो ये इन तीन कोर्सेज को कहाँ कहाँ पर जोड़ा गया है और इन तीन कोर्सेज के अकॉर्डिंग जब इनको कहीं जोड़ा गया, किसी कोर्स में जोड़ा गया, तो उनमें क्या कुछ परिवर्तन हुआ, नोटिस देख लेंगे हम RCI का। और उसके बाद में हम बताएंगे कि किन कोर्सेज को कहां पर जोड़ा गया है और इनसे जो संबंध कॉलेजेस थे यानी कि जिनके पास में इनकी मान्यता थी, उनके लिए क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ किया गया है। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं और वीडियो को सभी मित्रों के पास एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन आता है, उसको प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं सबसे पहले जो RCI का सर्कुलर 28 जून 2022 का यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेंबर सेक्रेटरी दोस्तों विनीत सिंघल जी के साइन भी हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी आपका कोर्स है CP का, DB का और MD का, इनको तीनों को मर्ज किया गया एक में ही और इन तीनों को मर्ज करके एक नया कोर्स बनाया गया है जो कि उसको कहा जाएगा DED स्पेशल एजुकेशन MD यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी। यानी कि इन तीन कोर्सेज को एक में मर्ज करके केवल और केवल उसका नाम कर दिया गया MD यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी, DED स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी। और जो आपका ASD का कोर्स था यानी कि जो आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का जो आपका कोर्स था उसको दोस्तों, ASD का जो कोर्स था उसको मर्ज किया गया दोस्तों IDD में और उस कोर्स को अब हम क्या बोलते हैं, IDD। यानी कि जो आपका IDD का कोर्स था इसके पहले दोस्तों, IDD का कोर्स था इसके पहले इसका नाम मेंटल रिटार्डेशन हुआ करता था, ये नाम यहाँ से चेंज किया गया था, केवल और केवल नाम चेंज किया गया था, लेकिन अब ASD और IDD को मिलाकर के IDD कर दिया गया। और ये कोर्स आप ये मान के चलिए कि इन तीन कोर्सेज को, चाहे वो आपका HI का कोर्स हो, चाहे आपका VI का कोर्स हो और चाहे आपका IDD का कोर्स हो, अगर आपको करना है तो इन तीन कोर्सेज को ही आप लोग कीजिएगा, इनमें से ही किसी ना किसी एक कोर्स को चूज़ कीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब इन कोर्सेज को एक में मिलाया गया तो आपके सिलेबस में भी आपके चेंजमेंट किया गया, जो आपका पाठ्यक्रम है वो चेंज किया गया, चाहे वो IDD का पाठ्यक्रम हो, चाहे वो MD का पाठ्यक्रम हो। और इसके तहत कुछ चीज़ें HI के स्टूडेंट्स के में भी जोड़ी गई और कुछ चीज़ें दोस्तों VI के छात्रों में भी जोड़ी गई। यानी कि सबका लगभग सबसे ज़्यादा जो सिलेबस चेंज हुआ है वो IDD का और MD का। उसके बाद में अगर कुछ सिलेबस चेंज हुआ यानी कि एक कॉपी या कुछ उनमें से टॉपिक्स जो चेंज हुए हैं वो HI के और VI के। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपके जो कोर्सेज थे यहाँ पर गए और इनसे संबंध जो कॉलेजेस हैं यानी कि इनसे जो संबंध रखते हैं कॉलेजेस, यानी कि जो आपका CP कोर्स था और DB कोर्स था या MD का जो कोर्स था, तो इनको क्या किया गया है, जिसके पास CP की मान्यता थी या जिसके पास CP और DB दोनों की मान्यता थी, तो इनको MD की मान्यता दे दी गई है। यानी कि अब आप लोग जो भी कोर्सेज हैं इसके लिए आपकी जो RCI की वेबसाइट है वहाँ पर आप सभी को अप्रूव्ड कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पर अब जब संशोधित होकर के आपकी ये लिस्ट आएगी तो वहाँ पर सभी चीज़ें जो हैं वो सही होकर के आ जाएंगी कि किस कॉलेज में MD का कोर्स चल रहा है और किस कॉलेज में IDD का कोर्स चल रहा है। IDD वाले आप ज़्यादातर परेशान ना हो, क्योंकि HD के कॉलेज जो थे वो बहुत कम थे और उनको IDD में कर दिया गया, तो उनको करे हुए लगभग में एक साल हो गया क्योंकि पुराने से ही ये कोर्स चल रहा है। लेकिन इस साल से
एमडी, सीपी और आपके डीबी कोर्स को एमडी में ही कर दिया गया है। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी, और जल्दी से सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको पल पल की मैं जानकारी देता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।